स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मदर सैडो प्ले एंड प्रिपरेटरी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लास 8 का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दौर चल रहा है इस कोरोना पैंडेमिक के कारण, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास 8 के मैथ्स के टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम लोगों को पहले हम बता देना चाहूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इस चैप्टर में क्या क्या आता है और किस किस टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है। पहले मैं वो बता दूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा टॉपिक क्या क्या है। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज लीनियर एक्सप्रेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग ये भी जानेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज वेरिएबल इन वन इक्वेशन एंड व्हाट इज वेरिएबल इन टू इक्वेशन। और हम लोग जो बुक प्रीफर करेंगे स्टूडेंट्स, वो सबको पता है कि ऑल इंडिया की ऑथोराइज्ड बुक एनसीईआरटी को हम लोग प्रीफर करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। शायद आप लोगों को पता भी हो या नहीं भी पता हो, इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आप कहीं हिंदी में देखते होइएगा तो वहां पे लिखा होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। फिर भी हमारा उससे कोई लेना देना है नहीं, आप लोग इंग्लिश समझते हो तो इंग्लिश में ही स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं और इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में आप सब ने पढ़ा होगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब आपके पिछले क्लास का डिटेल्ड आइडिया है। फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, जो स्टूडेंट्स शायद 7 में अच्छे से नहीं कर पाए होंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज इक्वेशन, इनके बारे में मैं बेसिक आइडिया स्टार्ट कर देता हूँ। सो मैं स्टूडेंट्स से स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है। कॉमनली जो मैथमेटिकल टर्म में जो इस तरह का जो टर्म होता है 5x, 2x minus 3, 4x plus 7, y plus y square और something like z plus z square, 5 वाई प्लस 4, इस तरह का जो भी टर्म होता है उसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। तो फिर बात आती है कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर क्या है। तो स्टूडेंट्स, बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है इस दोनों के बीच में। जब हम एक्सप्रेशन को, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो ये हो गया 5x हो गया, 2x माइनस 3 हो गया, 4x प्लस 7 हो गया, y प्लस y स्क्वायर हो गया, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स जब हम इक्वल टू साइन बीच में दे के सेपरेट कर देते हैं तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 5x, तो 5x के बाद अगर हम इक्वल टू साइन देके किसी न्यूमेरिकल कांस्टेंट या फिर किसी वेरिएबल के साथ हम इसको सेपरेट कर देते हैं तो यही इक्वेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2x minus 3 is equal to 9, तो यहाँ पे 2x minus 3 is the algebraic expression and when we separate it from equal to then it becomes an equation. Like यहाँ पे x और y की बात आती है कि यहाँ पे x क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 9 क्या है। तो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, यहाँ पे x, y, z इस तरह का कोई भी चीज हो तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, और कोई भी न्यूमेरिकल कोफिशियंट हो 1 टू 10, 0 टू 9, माइनस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 5, तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होती है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और कोई भी टर्म जो न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा इसमें दिखेगी आपको इक्वेशन में, लाइक एक्स वाई जेड 3 4, एक्स वाई जेड, तो ये वेरिएबल का काम करेगी यहाँ पे। तो फिर अब हमारे अपने टॉपिक के तरफ आगे बढ़ते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, लीनियर एक्सप्रेशन एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, मतलब ये एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैं बताता हूँ कि ये किस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो अब बात आती है कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री स्टूडेंट्स वो होती है कि यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2x में एक्स का मैक्सिमम पावर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 है, 2x प्लस 1 में x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, 4y माइनस 7 में y का मैक्सिमम पावर 1 है। मैक्सिमम पावर मतलब यहाँ पे y स्क्वायर नहीं हो सकता है, y क्यूब नहीं हो सकता है, x स्क्वायर नहीं हो सकता, x क्यूब नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग का क्योंकि टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसी के लिए हम यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे कि y स्क्वायर, y क्यूब, x स्क्वायर, x क्यूब, z स्क्वायर, z क्यूब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस तरह का कोई भी टर्म आएगा 5x, 4x plus 2, 4y minus 7, इस तरह का कोई भी टर्म होगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा।
लेकिन हम लोग का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लीनियर इक्वेशन में, लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म में पढ़ना होगा, और उस लीनियर एक्सप्रेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में, तब जाके हम यहाँ पे पहुंचेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर पहले तो एक्सप्रेशन आप लोग सिंपल सी बात है, आप लोग सबको ही समझ गए होइएगा कि ऐसा कोई भी टर्म जिसमें इक्वल टू नहीं लगा हो और कॉन्स्टेंट और वेरिएबल हो, तो वैसे टर्म को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और अब बात आती है लीनियर एक्सप्रेशन की, तो लीनियर एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स 5x, 4x plus 2, 4y minus 7, ये सब लीनियर एक्सप्रेशन है। मैंने बताया कि क्यों लीनियर एक्सप्रेशन है, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर मतलब होता है कि वन, लीनियर मतलब होता है स्टूडेंट्स रैखिक, मतलब वन, इसमें हाईएस्ट पावर इसका एक्स का वन होना चाहिए, यहाँ भी हाईएस्ट पावर एक्स का आप देख रहे हैं वन होना चाहिए, यहाँ भी वाई का हाईएस्ट पावर वन होना चाहिए, मतलब एक्स वाई का हाईएस्ट पावर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन होना चाहिए, मतलब एक्स का हाईएस्ट पावर वन, वाई का, अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल अगर जेड होता तो जेड का वन, अगर वेरिएबल यहाँ पे क्यू होता तो क्यू का वन, आर होता तो आर का वन, तो मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमेशा वन होना चाहिए लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल में। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी एक्सप्रेशन है, y plus y square, ये भी algebraic expression है, 1 plus z plus z square plus z cube, ये भी algebraic expression है, लेकिन ये सब linear expression नहीं है। क्यों linear expression नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x जो variable है उसका maximum power यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है maximum power, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे variable का maximum power 2 है, यहाँ पे देखिए इस expression में देखिए variable का maximum power 3 है, 1 plus z plus z square plus z cube, यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, और इसी मैक्सिमम पावर को मैं बताया हूँ कि आप लोगों को डिग्री कहते हैं, तो मतलब सिंपल शब्दों में या बोलिए, ये बोलिए कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर इसका जो डिग्री है, डिग्री जो होता है यहाँ पे इसका, वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए लीनियर एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे सारे जगह डिग्री आप देख रहे हैं, सारे जगह का डिग्री यहाँ पे इस नीचे वाले एक्सप्रेशन में 1 से ज्यादा है, जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये सारे चीज लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होंगे। और ऊपर वाले में देखिए 5x, 4x plus 2, 4y minus 7, तो इस सब में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये सारे के सारे लीनियर एक्सप्रेशन होंगे। और मैंने आपको बताया है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसको अगर हम लोग इक्वल टू देके इक्वल टू लगा देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है। तो इसी लीनियर इक्वेशन, ये सारे लीनियर इक्वेशन में आप इक्वल टू लगा के कोई वेरिएबल या कॉन्स्टेंट से उसको बैलेंस कर देंगे तो वही सारे लीनियर एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 5x plus 3, अगर ये 5x plus 3 सिंपली रहता तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और लीनियर एक्सप्रेशन होता, लेकिन यहाँ पे 5x plus 3 को हम इक्वल टू से सेपरेट कर दिया और इधर कुछ वेरिएबल या कॉन्स्टेंट डाल दिया तो यही एक्सप्रेशन इक्वेशन बन गया। जैसे 5x plus 3, 3y minus 7 बराबर 4, यहाँ पे कोई आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि x plus 5 बराबर 2, इस तरह का कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन को आप इक्वल टू से सेपरेट करके उसके LHS और RHS में अगर वेरिएबल या कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, वन वेरिएबल का वेरिएबल या कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो वो लीनियर एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये सारे के सारे लीनियर इक्वेशन बन गए। तो लीनियर इक्वेशन बन गए, तो इक्वेशन हो कि जब भी बात आती है तो इक्वेशन जब भी होता है तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है। मतलब इक्वेशन बनाने का मेरा क्या मकसद होता है कि हमको उसका पार्टिकुलर वैल्यू मिल जाए। जैसे कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होता है जो ऐसा है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो एक्स का ऐसा वैल्यू जो डालने पे LHS और RHS बराबर हो जाए, यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स का ऐसा वैल्यू डालने पे जहाँ पे हमको LHS और RHS का वैल्यू सेम दे दे तो वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। किसी ये लीनियर इक्वेशन की बात नहीं है, किसी भी तरह के इक्वेशन में अगर LHS और RHS में वेरिएबल का वैल्यू डालने पे, अगर यहाँ पे वन वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे टू वेरिएबल भी रहता है, x स्क्वायर समथिंग टाइप रहता, तो वहां पे भी अगर x की वैल्यू कुछ भी डालने पे LHS और RHS, when LHS and RHS becomes equal, then we called it as a solution of linear equation. So we will take some example regarding linear equation and how to solve it. स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, तो हम लोग जैसे कि हम बताएं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू डालने पे जब LHS और RHS हमको इक्वल मिल जाए तो वही उसका सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे इस इक्वेशन में आप देखिए स्टूडेंट 2x minus 3 is equal to 7, अगर आप बाय हीट एंड ट्रायल देखते हैं, हीट एंड ट्रायल मतलब अगर x के जगह पे आप 5 डाल के देखते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ पे x की जगह पे 5 डाला हूँ, तो क्या होगा इस एक्सप्रेशन में 2 into 5 minus 3
तो ये सॉल्व कीजिएगा तो आप क्या होगा 2 into 5 10 10 minus 3 is equal to 7 तो means we get LHS and RHS equal क्योंकि RHS में भी 7 है right hand side में भी 7 है और left hand side में भी 7 है जब left hand side और right hand side का value दोनों तरफ बराबर आ जाए तो वैसे variable के value को डालने पे जो left hand side और right hand side के value को बराबर कर दे तो वो उसका solution कहलाता है अब हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं स्टूडेंट जैसे कि 3x plus 3 is equal to 9 तो यहां पे अगर आप x is equal to 2 डालिएगा जैसे 3 into 2 plus 3 यहां पे मैं डाल के दिखा रहा हूं 3 into 2 plus 3 तो 3 into 2 6 plus 3 6 plus 3 when we add 6 plus 3 it gives 9 and 9 in the RHS and 9 in the LHS as well तो यहां पे x is equal to 2 इसका क्या सॉल्यूशन होगा तो ये तो हो गई कि एक प्रॉपर सी बात है कि मैं डाल के देख लिया कि x 5 डालने पे ये सॉल्यूशन बनता है x2 डालने पे ये सॉल्यूशन बनता है और x का कुछ भी y का कुछ भी वैल्यू डालने पे ये सॉल्यूशन हमको मिलता है लेकिन इस चैप्टर में हमको पढ़ना है सीखना है कि ये सॉल्यूशन हम जैसे कि मैं तो यहां पे आपको डाल के दिखा दिया कि x is equal to 5 इसका सॉल्यूशन है लेकिन हम लोग जानेंगे कैसे कि ये x is equal to 5 वैल्यू होगा तो इसको निकालने का एक प्रॉपर मेथड है वो मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कि x is equal to 5 कैसे इसका सॉल्यूशन होगा x is equal to 2 कैसे सॉल्यूशन होगा और इसी बेसिस पे पूरा चैप्टर घूमेगा मतलब कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन और इसका जब सॉल्यूशन निकालने आ जाएगा तो इसके एक्सटेंडेड चैप्टर में आपको इसी का वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा फिर आप जैसे ही फर्दर क्लास में आगे बढ़ेंगे तो अभी तो आप लोग वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं फिर इसके बाद टू वेरिएबल आएगा थ्री वेरिएबल आएगा तो इस तरह का तो वो टू थ्री वेरिएबल आगे वाले क्लासेस में है बस इस क्लास में आपको यही वन वेरिएबल को सॉल्व करना सीखना है वन वेरिएबल पे वर्ड प्रॉब्लम जो आएगा इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आएगा वो सीखना है तो हम लोग चलिए स्टूडेंट्स अब बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या है बुक में स्टूडेंट इसको सॉल्व करते वक्त बहुत सारा लैंग्वेज भी लिखता है देन आपको देखिएगा आप बुक खोल के पढ़िएगा एनसीईआरटी तो आपको पता चलेगा कि इसमें सॉल्व करते वक्त बहुत सारा लैंग्वेज लिखेगा एडिंग 2 टू दिस साइड एडिंग 3 टू दिस साइड ट्रांसपोजिंग दिस वो लैंग्वेज आप इस तरह के एक्सप्रेस में यूज नहीं भी कीजिएगा तब भी आपका काम चल जाएगा वो आपको बस समझाने के लिए उतना सारा लैंग्वेज लिख रहा है कि एडिंग ये दो इधर जोड़ना है एलएचएस में 3 आरएचएस में जोड़ना है आप लोग एनसीईआरटी अपना खुद का बुक उठाइएगा और खुद का बुक उठा के पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो लैंग्वेज बस आपको समझाने के लिए दे रहा है जब भी आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल मेथड से सॉल्व कीजिएगा और वो लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो लैंग्वेज उतना वर्थिक नहीं है और बिना लैंग्वेज के भी काम चल जाता है तो स्टूडेंट हम लोग बता रहे थे कि कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ पे वैल्यू डाल के देखिए आप x का वैल्यू 5 डालिएगा तो LHS RHS सेटिस्फाइड हो जाएगा तो x बराबर हम 5 बताए थे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जैसे यहाँ इस तरह का बताया था लेकिन वो 5 वैल्यू आया कहाँ से उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं जैसे कि कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन दिया होगा लीनियर इक्वेशन दिया होगा 2x - 3 = 5 तो इसका बेसिक सा फंडा है स्टूडेंट सॉल्व करने का कि हम एक तरह वाले चीज को एक तरफ ले जाते हैं मतलब जैसे कि देखिए इधर वेरिएबल है 7 इधर 3 वेरिएबल है तो हम एक तरफ वाले चीज को एक तरफ ले जाते हैं वेरिएबल को एक साइड रखते हैं कांस्टेंट को एक साइड रखते हैं और एक तरफ ले जाने का मतलब क्या फंडा है जैसे कि इस तरफ वेरिएबल -3 है -3 इस तरफ है 3 के आगे माइनस साइन लगा हुआ है इस तरफ साइन इसका माइनस लगा हुआ है तो जैसे ही वो LHS में -3 है तो ये LHS में अगर माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर यहाँ पे LHS में यहाँ पे अगर प्लस में रहता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो इधर आता है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता मतलब प्लस चेंजेस इनटू माइनस माइनस चेंजेस इनटू प्लस मल्टीप्लीकेशन चेंजेस इनटू डिवीजन एंड डिवीजन चेंजेस इनटू मल्टीप्लीकेशन जैसे यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है तो माइनस 3 को जब भी हम मतलब इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल को बताएं एक तरफ ले जाएंगे कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे तो -3 जैसे ही इस तरफ आएगा तो 7 पहले से था और -3 इधर जब भी RHS में आ जाएगा तो वो 7 प्लस 3 तो वही 3 प्लस 7 लिख देंगे तो अब 3 प्लस 7 को हम ऐड करेंगे तो 3 प्लस 7 क्या देगा 10 देगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर एक कांस्टेंट है 2 तो इस 2 को इसका x का वैल्यू निकालना है हमको यहाँ पे x के साथ 2 किस चीज में है आप लोग क्लियरली देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन में 2 के साथ x तो जैसे ही x इस साइड आ जाएगा 10 तो 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो x इसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल इसको कांस्टेंट को एक तरफ लाएंगे तो x 10 अपॉन 2 करेंगे क्योंकि यहां पे इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो जैसे ही इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा इसका कांस्टेंट तो 10 अपॉन 2 और डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम 10 को तो 5 टाइम्स लगेगा तो x = 5 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट आप बुक देखिएगा अपना एनसीईआरटी जो आपका बेसिक बुक है उसमें देखिएगा कि ये एग्जांपल का इक्वेशन है इसको सॉल्व करते वक्त आपके बुक में क्या लिखेगा
लिखता है कि मैं आपको पहले ही बता दिया कि लैंग्वेज ज्यादा लिखने का चीज नहीं है, वो आपको बस समझाने के लिए लिख रहा है। बुक में आपका लिखेगा जैसे यहाँ पे एडिंग थ्री टू बोथ साइड, तो उसका बेसिक सा फंडा यही है कि वो वेरिएबल को बैलेंस कर रहा है दोनों तरफ। मतलब यहाँ पे माइनस थ्री से प्लस थ्री को ऐड करेगा तो इधर ये इधर का थ्री खत्म हो जाएगा, बच जाएगा इधर बस टू एक्स बच जाएगा और ये एक्स को इधर लाके डिवाइड कर देगा। तो वो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। बेसिक फंडा यही होता है कि आप एक चीज वाले को एक तरफ रखिए, मतलब कांस्टेंट को एक तरफ कर दीजिए, वेरिएबल को एक तरफ कर दीजिए और उसको मतलब सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए बस। लेकिन चेंज करते वक्त एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि माइनस आपका प्लस जाना चाहिए, प्लस माइनस जाना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन चेंजेस इनटू डिवीजन एंड डिवीजन चेंजेस इनटू मल्टीप्लीकेशन। और जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, शायद आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि 2y plus 9 is equal to 4 है, 2y plus 9 is equal to 4 है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स की इस प्लस 9 को, प्लस 9 इधर क्या है कांस्टेंट है और इधर 4 कांस्टेंट है, तो इस प्लस 9 को हम इधर लाएंगे तो प्लस है इधर LHS में, तो इस प्लस को अगर हम इधर लाएंगे तो 4 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा, 4 माइनस 9 माइनस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 2y के साथ y वेरिएबल 2 कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम क्या बोले, कांस्टेंट को सबको एक तरफ लाना है और लाके क्या करना है कि वो चीज ध्यान में रखना है कि प्लस माइनस में बदलना चाहिए, माइनस प्लस में बदलना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किस चीज में बदलेगा, यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन किस चीज में बदलेगा, डिवीजन में बदलेगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली वी विल गेट द वैल्यू एज y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। और इस चीज में भी देखिएगा तो बुक आपको लिखेगा कि एडिंग माइनस 9 टू बोथ साइड, तो इस तरफ को खत्म करेगा और डिवाइडिंग बाई दिस। तो वो बस आपका बेसिक मुद्दा है आपके समझने के लिए है। और एग्जाम में आप वो नहीं भी लिखिएगा, एग्जाम में आप ऐसे ही बनाइएगा तब भी काम चल जाएगा। और एक चीज और ध्यान में रखना है, वो बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ये अभी से लेके आपके फर्दर स्टडीज हर टाइम काम चलेगा ये चीज। क्योंकि जैसे कि आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे कि कभी भी इक्वेशन सॉल्व किया जाता है ना, जब भी इक्वेशन सॉल्व किया जाता है तो यहाँ पे एक स्पेशल साइन या सिंबल दिया जाता है जैसे LHS में। तो यहाँ पे देखिएगा कि मैं हर जगह मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे इम्प्लॉइज का साइन देता हूँ, इसको इम्प्लॉइज बोलते हैं। ये साइन आप लोग देना ना भूले, क्योंकि ये साइन आप लोग दीजिएगा तो एग्जाम में हो सकता है कि एग्जामिनर आपका नंबर काट ले ये साइन, या फिर इसके जगह पे आप और देखिए कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं इसके बदले, या ये दे सकते हैं या फिर और दे सकते हैं इसको सॉल्व करते वक्त। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें तो इम्प्लॉई का साइन दे या फिर और का साइन कॉमा के साथ दे के सेपरेट करके ही सॉल्व करके आगे बढ़े। ये एक बेसिक फंडा है जो आपको अभी नहीं आगे तक काम आएगा, हर जगह इसका यूज है और हर जगह मतलब ये आपके लिखने के स्टाइल को बताता है कि आप कितना अच्छा लिखते हैं। स्टूडेंट्स हम आपके एक्सरसाइज का कुछ एग्जांपल का क्वेश्चन एक दो और लेके आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा इसका एक्सरसाइज 2.1 और 2.3। मैं देखिए एक ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका 15/4 माइनस 7x इज इक्वल टू 9, तो हाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। तो मैंने क्या बताया आपको कि वी विल सेपरेट वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट टर्म बाई टर्म। तो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट है, इधर कॉन्स्टेंट है, तो मेरा क्या मोटो था कि वेरिएबल को एक तरफ लेके जाना है। तो मैं 9 है इधर, इधर 15/4 प्लस में है, 15/4 के आगे क्या लगा, प्लस लगा, तो प्लस जैसे ही इस तरफ आएगा तो माइनस के साथ आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस के साथ रहता है तो इस तरफ आता तो प्लस के साथ आ जाता, तो माइनस, तो इसको हम इस तरफ ला रहे हैं, तो माइनस 7x 9 माइनस 15/4। अब तो आप बेसिक क्लास की बातें है कि एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम 4 आएगा और 4 1 डिवाइडेड बाई 4 4 इंटू 9 गिव्स 36, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 1 इंटू 15 15, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करने पे हमको 21/4 आएगा। फिर इधर वेरिएबल बच गया मेरा, इधर ये कांस्टेंट बच रहा है और इधर ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, तो मेरा बेसिक सा मुद्दा है कि सेपरेट करना होता है हमको कांस्टेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इसका माइनस 7x यहाँ पे वेरिएबल के साथ है, तो इस माइनस 7 को हम सेपरेट करेंगे तो क्या करेंगे, इधर देखिए माइनस 7x के साथ किस चीज में है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ देखेंगे कि किस चीज में, ये नहीं कि यहाँ पे देख लेंगे कि माइनस 7 7 के आगे माइनस लगा हुआ है, वो तब देखेंगे जब वो अकेले रहेगा तब। यहाँ पे वेरिएबल के साथ है तो वेरिएबल का साइन देखेंगे, वेरिएबल के बीच में माइनस 7x, तो बीच में मल्टीप्लीकेशन एक छिपा हुआ होता है आपको सबको पता है। तो जैसे ही अगर आप माइनस 7 को इस तरफ लाइएगा तो x से सेपरेट कीजिएगा, तो x माइनस 7 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में x के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 21/4 इंटू डिवाइड में आएगा तो माइनस 1/7, और इस 7 से 21 को आप डिवाइड कीजिएगा तो 3 टाइम्स कटेगा और सॉल्व कीजिएगा तो इसको वी विल गेट द वैल्यू माइनस 3/4।
सिमिलरली एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, 2.1 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए पॉइंट वाला है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5, तो ये कुछ नहीं है, बस पॉइंट पॉइंट देखिए बच्चों को थोड़ा सा घुमाने का कोशिश किया है यहाँ पे वेरिएबल के साथ। ये देखिए कॉन्स्टेंट किस चीज में, वो डिवाइड में है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो 1.6 इंटू 1.5, तो 1.6 इंटू 1.5 करेंगे तो आप लोगों को तो ये डेसिमल वाला मल्टीप्लीकेशन आता ही होगा, तो 1.6 इंटू 1.5 करेंगे तो वी विल गेट वैल्यू 2.4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर शायद 8 था, वो देख लेना आप लोग कौन सा क्वेश्चन है, 2.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 था। और एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे कि ये दिया हुआ है 3x is equal to 2x plus 18, तो 3x is equal to 2x plus 18 दे रहा है, तो जब भी आप, मैंने क्या बताया आपको कि एक वाले चीज को एक तरफ लाइए, मतलब सेम वेरिएबल को एक तरफ लाइए, कांस्टेंट को एक तरफ लाइए, तो यहाँ पे 3x और 2x आपको दिख रहा है कि दोनों एक एक तरह का है, तो 3x और 2x इसको एक साइड लाएंगे तो 2x इधर क्या वेरिएबल क्या है, प्लस में है, आगे प्लस साइन लगा हुआ है, तो जैसे ही इस तरफ जाएगा तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में कन्वर्ट होगा, तो 3x minus 2x is equal to 18, तो 3x में से 2x चला गया तो बचा कितना, एक x हमारे पास बच जाएगा, तो यहां से हमको x का वैल्यू 18 मिल गया। तो आपको एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा जिसमें आपको सॉल्व करके बस वैल्यू निकालना है, और सिमिलर पैटर्न पे एक्सरसाइज 2.3 भी है। 2.3 में बस एक चीज आपको ज्यादा बोल रहा है कि 2.3 में एक चीज ज्यादा आपको क्या बोल रहा है कि सारे को सॉल्व करना है, जैसे आपको बताया वैसे ही सॉल्व करना है, बस एक चीज उसमें ज्यादा करना है कि सारे वैल्यू को चेक भी करना है। तो चेक करना तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, जैसे ही आप वैल्यू निकाले 18, जैसे यहाँ पे वैल्यू इसका 18 निकाले तो इस 18 को इक्वेशन में पुट कर दीजिए और LHS और RHS बराबर आ जाएगा, तो वो आपका मतलब वेरीफाइड हो जाएगा रिजल्ट। जैसे यहाँ पे 2.4 वैल्यू आया मेरे पास, तो हम y का वैल्यू 2.4 आया, तो 2.4 अगर हम RHS में डालेंगे और वो LHS के बराबर आ जाएगा तो वो मेरा वैल्यू मतलब सही, हम जो निकाले हैं वो मेरा आंसर सही है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x is equal to -3/4 है, तो अगर हम x के जगह पे LHS में -3/4 डालेंगे तो -3/4 डालेंगे तो -7 × -3/4 15/4 +21/4 15 + 21 = 36/4, तो LHS में भी 9 आ जाएगा, RHS में ऑटोमेटिकली 9 दिया हुआ है, तो हमारा रिजल्ट वेरीफाइड हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है कि हमको अगर 2.1 तो सीधे सिंपल सॉल्व करना है, 2.3 में हमको दिया हुआ है कि सॉल्व करके वेरीफाई करना है, तो सॉल्व करके वेरीफाई करने का भी फंडा मैंने बता दिया कि कैसे करना है। पहले वही सिमिलरली वैल्यू निकालिए और वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कीजिए, और इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर आपका LHS और RHS इक्वल आ गया तो आपने जो वैल्यू निकाला है वो सही होगा। अगर आपका कहीं ना कहीं LHS और RHS सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपने जो वैल्यू निकाला है उसको री इवेल्युएट कीजिए, मतलब फिर से चेक कीजिए आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया 2.1 और 2.3, और एक चीज और कि आप लोग इसका पूरा वर्कड आउट एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और प्लस एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, और प्लस एनसीईआरटी बुक के स्टार्टिंग में वो चीज लिखा रहता है समरी हर चैप्टर का, वो समरी को आप लोग खुद से पढ़ेंगे, और जहां प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों का होमवर्क यही है 2.1 एक्सरसाइज और 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।